मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम वीरेंद्र सिंह ने मंगलवार को घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी सोमवार को हुए पहले चरण के चुनावों के 38 में से 26 सीटों पर जीत हासिल करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 मार्च को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में भाजपा 22 में से 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। भाजपा मणिपुर में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि सभी 38 विधानसभाओं में से अब तक रिपोर्ट हासिल नहीं हुई है और यह संभव है कि भाजपा 30 में से 30 सीटों पर। विजय ने कहा कि लोगों के मिजाज को देखा जाए तो भाजपा 60 में से 42 सीटें ही जीत सकती है। भोपाल जिले के गंगा बुक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वीरेंद्र कहा कि मणिपुर के लोग केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार द्वारा किए गए योगदान को जानते हैं और उन्होंने भाजपा को वोट देकर भाजपा का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने लोगों को परेशान किया है, लोगों के पास दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया है। लोग आपस में बैठे हुए थे, लेकिन अभी के राष्ट्रीय भाजपा के एक संयुक्त मणिपुर की अवधारणा के साथ लोगों के बीच मतभेदों को दूर किया जा रहा है। वीरेंद्र कहा कि सेतु कांग्रेस उम्मीदवार हाउकी को ईवीएम को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था।